गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस बुक क्लास 7। आपको पहले हमने आपका चैप्टर 3 पढ़ा था एनिमल फाइबर, आज आपको जो आपका चैप्टर रहता है वो एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स, ऊन जो हमें जानवरों से दूसरे जानवरों से प्राप्त होती है। पहले हमने पढ़ा था शिप से कैसे प्राप्त करते हैं, आप करेंगे और दूसरे जानवरों से हम वूल कैसे गेट करते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ गॉट यॉक्स लामा अल्पाका एंड कैमल। हम जो वूल गेट करते हैं वे बकरी के लामा और अल्पा और कैमल के बालों से, फ्लीस मीन्स बाल, उनके बालों से प्राप्त करते हैं। कश्मीरा गोट, द अंडर फ्लू ऑफ कश्मीरा गोट इज सॉफ्ट, इट इज़ वुमन इन पश्मीना शॉल। जो कश्मीर वो कश्मीरा गोट होती है उसकी शॉल, उसके जो फ्लीस होते हैं उसके बालों से क्या बनती है, पश्मीना शॉल। अंगोरा गोट, सॉफ्ट सैंडी वाइट वूल कॉल्ड मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंगोरा गोट। जो अंगोरा गोट से हमें जो वूल मिलती है शैगी, वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, मोहेर। और ये किस मिलती है, अंगोरा गोट से। याक, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो याक, याक क्या होता है, एक प्रकार का बैल की प्रजाति होती है याक, वह हमें उससे भी हमें ऊन मिलती है, वह कहाँ पाई जाती है, तिब्बत और लद्दाख में। लामा एंड अल्पाका, लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अफ्रीका आल्सो यील्ड फॉर वूल। जो लामा और अल्पाका जो नस्ल की जानवर हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, इनसे भी हम वूल प्राप्त करते हैं। कैमल्स, कैमल्स द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज आल्सो यूज्ड फॉर वूल। वो जो कैमल्स के जो फर होते हैं उसकी बॉडी पर, वो भी हम वूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इंटू वूल, अब ये हम समझेंगे इसमें आपको जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया, कि हम फाइबर से जो हमने उनसे बालों से रेशा प्राप्त किया है उससे हम वूल कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। द वूल विच इज़ यूज फॉर निटिंग इज अ फिनिश्ड प्रोड्यूस ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ फ्लॉविंग। जो हम वूल प्राप्त करते हैं उसके लिए ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसके लिए हमें बहुत सारे विच इन्वॉल्व द फ्लॉविंग स्टेप्स। देखिए, शेयरिंग, शेयरिंग होता है बाल काटना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम शीप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। द शॉर्न शीप इमीडिएटली आफ्टर शेयरिंग इज जिप इज एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट इट्स स्किन फ्रॉम इन्फेक्शन। द शेयरिंग ऑफ शीप इज डन नॉर्मली वंस इन अ ईयर, बट इन वार्म क्लाइमेट कंडीशन व्हेन हेयर ग्रोज फास्टर इट मे बी डन ट्वाइस आल्सो। जो शेयरिंग में बाल काटने का होता है उससे आप सबसे पहले आप भेड़ के इस प्रक्रिया में सबसे भेड़ के स्किन से बाल काटे जाते हैं, फिर उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में उसको इन्फेक्ट करने के लिए भिगाया जाता है। और ये आप साल में एक बार भी प्राप्त कर सकते हैं, या आपको क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार, अगर आपके उसके जो बॉडी पे फास्टर ग्रो हो रहे हैं उसके हेयर शेप्स की बॉडी पे, तो आप इसको साल में दो बार भी कर सकते हैं, शेयरिंग को उसकी बॉडी से शेयरिंग कर सकते हैं। स्कोरिंग, द शॉर्न फ्लीस ऑफ इज वॉश टू रिमूव ग्रीस एंड डस्ट। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग शॉर्न हेयर इन अ लार्ज टैंक टू क्लीन देम इज नॉन एज स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या है, जो आपके कटे हुए शॉर्न मीन्स बाल, शॉर्न जो फ्री, जो आपके कटे हुए जो बाल हैं आपके, उनको आप वॉश करोगे, उस पर जो ग्रीस होता है, डर्ट होता है, वो सब हटाओगे, उसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। सॉर्टिंग, आफ्टर स्कोरिंग द फाइबर्स आर सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। जब आपकी स्कोरिंग प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद आप इसको सॉर्टिंग करोगे, छाटोगे उस अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, उसकी लंबाई के अनुसार जो छोटे होंगे उनको अलग कर लेंगे और बड़े होंगे उनको अलग कर लेंगे, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप उनको अलग अलग कर लेंगे। बर्ड्स विच आर सॉफ्ट फ्लफी फाइबर इन वूल आर रिमूव मैनुअली। जो सॉफ्ट होते हैं फाइबर वो मानव के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं। डाइंग, हाथों से ही रिमूव हो जाते हैं। डाइंग, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, द नेचर फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक ब्राउन एंड वाइट। उसके बाद जब आपकी सॉर्टिंग हो जाती है उसके बाद उसको कलरिंग किया जाता है, फ्लीस को डाई करते हैं, और जो नॉर्मल जो नेचुरल कलर होता है वो होता है ब्लैक ब्राउन और वाइट। मेकिंग यार्न, धागा बनाने की प्रक्रिया। द वूल इज पास्ड ओवर द रोलर एंड कॉम्ब्ड इनटू शीट्स विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड अ कार्डिंग मशीन। द शीट इज देन ट्विस्टेड इनटू अ रॉक कॉल्ड सिल्क स्लाइवर। द स्लाइवर इज स्ट्रेच एंड ट्विस्टेड इनटू अ थिन यार्न। जो आपको रेशा प्राप्त हुआ है, फाइबर प्राप्त हुआ है, फिर आप उसको मशीन में डालते हैं, उसको जो आप मशीन यूज़ करेंगे यार्न बनाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, कार्डिंग मशीन। और द शीट इज देन ट्विस्टेड इनटू रॉफ कॉल्ड सिल्वर स्लाइवर। उसको जो खूंटती है
एक दूसरे की तरफ मोड़ती है रेशे को, उसको क्या बोलते हैं? स्लाइवर। सिल्क, द यूज ऑफ सिल्क गोज बैक टू 3000 BC इन चाइना एंड द चाइनीज न्यू द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क फाइबर एंड अंटिल 300 CE इट वॉज कैप्ट एज ए सीक्रेट। जो चाइना के लोग हैं वो लगभग 3000 साल पहले उन्होंने सिल्क का प्राप्त कर लिया था, द चाइनीज ये जानते रहे और उनको जानने के बाद भी 300 साल तक उन्होंने उसे सीक्रेट रखा, ये अपनी टेक्निक उन्होंने किसी को नहीं बताया लेटर ऑन। लेकिन बाद में द प्रोसेस वाज मेड नोन टू जैपनीज, लेकिन उसके बाद ये जो प्रोसेस है प्रक्रिया जैपनीज इंडियंस के द्वारा को भी पता चलती गई। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग सिल्वर्म फॉर सिल्क स्टार्टेड इन ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम, और अब भारत में भी ये, उसके बाद भारत में भी ये कहाँ करी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में ये की जाती है। द वर्ल्ड सिल्कवॉर्म इन दिस रीजन प्रोड्यूस गोल्डन सिल्क विच इम्प्रूव्स विद एंगिंग, द फाइबर ऑब्टेंड इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एंड नेचुरल फाइबर। हमें वर्ल्ड सिल्क से प्राप्त होती है, वर्ल्ड सिल्क से प्राप्त होती है फाइबर, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मजबूत होती है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नाउ द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क को हम जानने से पहले कि उसकी प्रक्रिया हम कैसे सिल्क को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सिल्क का कीड़ा होता है वो इसको कैसे लाइफ स्टाइल उसकी कैसी है, कैसे प्रोसेस करते हैं। देखिए अब लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ मीन्स सिल्क का कीड़ा, जो हमें सिल्क मिलता है वो एक सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है। इसके भी प्रोसेस होते हैं अलग अलग प्रक्रिया द्वारा, जब वो प्रक्रियाएं पूरी होती रहती हैं उसके द्वारा उसके बाद हमें एटलीस्ट हमें सिल्क प्राप्त होता है। अब देखिए कैसे होता है। द सिल्क वॉर्म लाइफ इज डिवाइड इनटू 5 स्टेजेस। जो सिल्क वॉर्म, जो सिल्क का कीड़ा होता है उसकी जो जीवन की प्रक्रिया होती है 5 भागों में विभक्तित होती है, बटी होती है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर सिल्क वॉर्म। देखिए जो सबसे पहले आपकी जो फीमेल है सिल्क मॉथ वो आपका एग देती है और उसके बाद वो लार्वा बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। दे फीड ऑन मलबरी लीव्स ग्रोइंग साइज। वे क्या खाती है? मलबरी, मलबरी में शहतूत की पत्तियाँ खाती हैं और उन्हें खा के उनके आकार का विकास होता है। नाउ दे बिकम एडल्ट सिल्क मॉथ विद इन 3-4 और 3-4 हफ्तों में वे बहुत बड़ी आकार की हो जाती है, उनका विकास हो जाता है, पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड पूपा। जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पूपा। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? पूपा। पूपा फर्स्ट वेव्स ए नेट ऑफ होल्ड इटसेल्फ जो देन इट स्विंग एन हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एट। देखिए जो पूपा होता है वो ना एक लार के द्वारा, उसके अंदर शरीर में लार ग्रंथि होती है, लार के द्वारा एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है जो उसकी बॉडी के चारों ओर चिपक जाता है। ड्यूरिंग दिस मोमेंट इट इज सेक्रेटरी वेरी फाइन फिलामेंट मेड ऑफ प्रोटीन्स, उसमें बहुत प्रोटीन्स भी होते हैं। इट डिपॉजिट द फिलामेंट इन अ लेयर टू फॉर्म अ कैकोन। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पूपा इन टू मॉथ कंटिन्यूज इन साइड द कोकोन। देखिए डायग्राम के द्वारा समझिए आप, पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ है उसने एग दिया, एग से क्या हो गया? उसका लार्वा, लार्वा जो है ये इनको कैटरपिलर भी बोलते हैं और ये 3-4 हफ्ते में ये प्यूपा बन जाता है, 3-4 हफ्ते में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं प्यूपा बन जाता है। और इसके जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि से ये पतला से लार निकालता है, ये अपने शरीर के चारों ओर चिपका लेता है उसको। पूपा द लार्वा सीक्रेट वेरी फाइन फिलामेंट मेड ऑफ प्रोटीन्स, इट डिपॉजिट द फिलामेंट इन लेयर्स ऑफ अ फ्रॉम कोकोन। इसके अंदर जो कोकोन रहता है उसको कोकोन बोलते हैं। सिल्क थ्रेड आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन। एट दिस स्टेज द लार्वा इज कॉल्ड अ क्लेसिस। द सिल्क यान इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन इज ऑफ द सिल्क मॉथ। जो सिल्क यान, सिल्क का जो धागा होता है हमें सिल्क के कीट के कोकोन से मिलता है। किससे मिलता है? सिल्क के जो कीट होता है उसके कोकोन से मिलता है। देर इज ए वराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यान, द यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। देयर आर 4 major types ऑफ सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सिल्कवॉर्म। जो हमें अलग अलग प्रकार का सिल्क मिलता है वो अलग अलग प्रजाति के सिल्क के कीट द्वारा मिलता है, जैसे विच इन टर्न फीड ऑन अ नंबर ऑफ फूड प्लांट्स, दीज आर मलबरी, ताजा, मूगा एंड एरी।
Expect mulberry. Other varieties of silk are generally termed as non-mulberry silks. India has the unique distinction of producing all these varieties of silk. भारत में इन्हीं सभी प्रकार के सिल्क का उत्पादन होता है. फ्रॉम कोकोन्स टू सिल्क. अब देखिए, कोकोन जो हमें मिला उससे हम सिल्क कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे ऑब्टेन करेंगे. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. जो हमने सिल्क वॉर्म को, सिल्क के कीड़ों को जो हमने पाला है, उससे हमें क्या मिला है, सिल्क. उसको क्या बोलते हैं, जो सब प्रोसेसर उसको बोलते हैं, जो सारी प्रक्रिया हुई, सेरिकल्चर. द सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द अनडैमेज कोकोन बाय अनरेवलिंग कोकोन. ये जो सिल्क करते हैं, इसको हमें कोकोन को नष्ट नहीं करना है. ए पाइल ऑफ कोकोन आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन वाटर टू किल द पुपा इनसाइड द कोकोन. जो कोकोन हमने इकट्ठे किए हैं, उसको हम बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, जिससे कि जो कोकोन के अंदर जो पुपा होता है, इनसाइड द कोकोन जो पुपा होता है, वह मर जाता है. ऑन बॉइलिंग सिल्क फाइबर सेपरेट आउट. और गर्म पानी में जब वो डाल दिया जाता है, तो जो उसके ऊपर सिल्क लिपटा हुआ होता है, वह अलग हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकोन्स डैट हैव बीन सॉक्ड इन हॉट वाटर इज कॉल्ड रीलिंग और फिलेट्रेड. जो ये प्रोसीजर कहलाती है सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकोन, जो हम कोकोन से और उसके बाद गर्म पानी में डालने के बाद उसको सेपरेट कर रहे हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी रीलिंग. दिस प्रोसेस इज डन इन बिग मशीन. ये जो प्रोसेस की जाती है, ये बड़ी मशीनों द्वारा की जाती है. द रिजल्टिंग फाइबर इज नॉन एज द रॉ सिल्क. और जो उसके बाद हमें जो रिजल्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रॉ सिल्क. इट कैन बी डाइड वेरियस कलर. उसके बाद वह अनेक रंगों में रंगा जाता है. सिल्क फाइबर इज देन स्पन इंटू सिल्क थ्रेड विच आर वोवन इंटू सिल्क क्लॉथ बाय वेवर्स. सिल्क फाइबर जो है, उसके बाद सिल्क थ्रेड के द्वारा बुना जाता है, जिसे वेवर्स बुनते हैं और सिल्क का कपड़ा तैयार करते हैं, बुनकर सिल्क का कपड़ा तैयार करते हैं. अब देखिए यहाँ पे आपके बेटे, आपके यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ, देखिए एक्टिविटी देखिए. टेक अ पीस ऑफ वूल एंड पीस ऑफ सिल्क, बर्न बोथ यार्न सेपरेटली ओवर अ कैंडल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. यू विल फाइंड दैट वूल यार्न प्रोड्यूसेस सिजलिंग नॉइज एंड स्मेल्स लाइक दैट ऑफ बर्निंग हेयर्स. द यार्न कर्स अवे फ्रॉम द फ्लेम. सिल्क यार्न बर्न स्लोली एंड मेल्ट्स. इट गेट्स बर्न कम्प्लीटली लिविंग नो रिस्यूड. देखिए, जब आपने कैंडल लिया और कैंडल पे आप अपने वूल को जला रहे हैं, और यहाँ पे आप दूसरे पिक्चर में आप सिल्क को जला रहे हैं, तो आपने बर्निंग की इसको, तो वह हिस्सा जल गया. और लेकिन स्मेल कैसी है, जैसे आपको बाल जलने की कैसी स्मेल आ रही है. और इसमें बर्निंग ऑफ सिल्क, जब आप इसको जलाएं तो ये पूरा ही जलेगा, थोड़ा नहीं जलेगा, ये पूरा जितना आपका पार्ट है सिल्क का, वह सारा ही जल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से, और जो समझ नहीं आएगा मुझसे क्वेरी कर सकते हैं. और इसकी जो की टर्म्स दी हुई हैं बेटा, वो आप अपनी कॉपी में करेंगे. ओके, थैंक्स.